मैंने पुलिस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये वीडियो थोड़ी अलग है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है, पुलिस बनना है तो आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ है जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है और उस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानोगे और गलतियाँ करते रहोगे तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, आपका पुलिस में जाने का सपना ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे आयुष रीना YouTube चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सपना है कि उन्हें पुलिस में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पुलिस में कई सारे लेवल होते हैं और जितने लेवल होते हैं सबका अलग अलग एग्जाम होता है, सबके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। आप पुलिस में तो 12 के बाद भी जा सकते हैं, 12 बाद अगर आप चाहो तो कॉन्स्टेबल बन सकते हो, लेकिन अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है या फिर और आगे DSP बनना है तो इस तरीके की पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको पुलिस में जाना है तो आपको उसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। वैकेंसीज हमेशा आती रहती है, स्टूडेंट पूछते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों वैकेंसी हमेशा आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही UP में वैकेंसी आई थी, उसके पहले दिल्ली में वैकेंसी आई थी, उसके पहले बिहार में वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी हमेशा आती रहती है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी रखनी है, एकदम अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि वैकेंसी देखो आज नहीं तो कल तो आनी ही है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो जब भी वैकेंसी आएगी आपको बस एक मौका चाहिए। आपने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी की है तो आपके लिए एक मौका बहुत है, उसी में आप सब कुछ कर दोगे। वहीं पे अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है तो क्या तैयारी करें, तो दोस्तों जब वैकेंसी आएगी तब आपकी तैयारी भी नहीं होगी और वैकेंसी आके निकल भी जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे UP से हो, चाहे दिल्ली से हो, MP से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो, तो वैकेंसी बराबर आती रहती है, आप अपनी तैयारी करो। अब देखो आपको क्या चीज़ नहीं करनी है वो चीज़ समझो। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें पुलिस में जाना होता है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वैकेंसी हमेशा आती रहती है। अरे भाई, हो सकता है कि एक साल ना आए, दूसरे साल तो आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल तक आएगी ही नहीं। लेकिन मान लो कि वैकेंसी आई, आपने अपनी तैयारी नहीं की, तो आपका तो वैकेंसी आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है तो आप एग्जाम में बैठोगे तो सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके थ्रू तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, हजारों लाखों बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका सिलेक्शन होगा, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उसका सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखो, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। देखो आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। अब आप सोचोगे कि तैयारी कैसे करें, तो देखो अगर आप 12 के बाद पुलिस में जाना चाहते हो या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी पुलिस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पुलिस में भर्ती होने के लिए, एक तो आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है। फिजिकल में क्या आ गया, फिजिकल में आपकी रनिंग वगैरह हो गई, आपकी हाइट वगैरह उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी हाइट वगैरह उस अकॉर्डिंग है, आपको नहीं पता कि कितनी हाइट चाहिए होती है, कितना चेस्ट चाहिए होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी उसे दे दूंगा, तो आप देख लेना। तो आप अपनी रनिंग पे फोकस करो, क्योंकि दोस्तों रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि अरे यार अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, अभी क्या प्रैक्टिस करें, नहीं, यही गलती कर जाते हैं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना उतना लोगों से आप आगे निकलते जाओगे और जो बेस्ट होगा उसी को तो सिलेक्शन मिलेगा ना। तो इसलिए आपको अपनी रनिंग पे फोकस करना है, अपनी फिजिकल आप एकदम खुद को फिट रखो, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात होगी रिटेन का, तो दोस्तों रिटेन भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। मान लिया कि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, रनिंग वगैरह आपने निकाल लिया, लेकिन रिटेन नहीं निकाल पाए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उसी तरीके से मान लो रिटेन निकाल लिया, फिजिकल नहीं निकाल पाए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दोनों ज़रूरी है और आपको दोनों पर मेहनत करना है। तो मान लो कि फिजिकल तो आप खुद को फिट रख लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन रिटेन पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। रिटेन में आपको अपनी मैथ्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है,
जो बेसिक चीजें हैं ना उसे आप क्लियर कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूँ, टेंथ तक के जो भी मैथ्स हैं, टेंथ क्लास तक के जो भी साइंस वगैरह हैं, आप उसे अच्छी तरीके से कवर कर लो। उतने में आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो समझो कि आपकी तैयारी एक लेवल तक हो चुकी है। उसके बाद आप चाहो तो और आगे पढ़ सकते हो, तैयारी करने की तो कोई लिमिट है नहीं, आप जितना अच्छी तरीके से करना चाहो कर लो। लेकिन सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाओ कि सबसे पहले क्लास एट्थ तक का, आठवीं क्लास तक का जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, जो भी साइंस सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे सबसे पहले आप तैयार कर लो। सबसे पहले टारगेट आपका ये होना चाहिए, आप इंग्लिश में अपनी कमांड बना लो, उसके बाद क्लास एट तक की जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह आप उसे पढ़ लो। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए क्लास टेंथ तक के जो भी कॉन्सेप्ट है सभी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, उन पे अपने कमांड बना लो। इस तरीके से दोस्तों आप स्टेप वाइज चलोगे ना तो आपकी तैयारी भी बहुत होगी, अच्छी हो जाएगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों तैयारी करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि सभी टॉपर्स करते हैं, जिनका भी सिलेक्शन होता है वो ये मेथड जरूर अपनाते हैं, और वो तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करना। अगर आप ये तरीके करते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको साइंस में इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि आप टाइमिंग को थोड़ा ध्यान रखना कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, कि आप उस टाइम में जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर आपको वो चीज़ करना है। जो कर दिया उसका सिलेक्शन, जो नहीं कर पाए वो रिजेक्ट। इसीलिए स्टार्टिंग में तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सबको टाइम लगता है, लेकिन आप खुद को बेटर करने की कोशिश करना। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो ये चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए। आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना कि जब वैकेंसी आएगी उसके 3 महीने पहले से हम शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं और वैकेंसी आके निकल भी जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आप सीरियस हो, थोड़ा सा भी सीरियस हो, तो आप ये चीज़ अभी से करो, वैकेंसी तो आनी ही है, चाहे आ जाए चाहे कल आए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप सीरियस हो तो आप इस चीज़ को फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उसके साथ साथ आप अपने स्टेट का भी नाम जरूर से लिखें कि आप किस स्टेट से, कहाँ से है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से, जिस भी स्टेट से जरूर से करके बताएं। और चैनल पर बहुत सारी वीडियो है जो कि पुलिस से रिलेटेड है, पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देखिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।